चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। हम बैठे हैं शामली ज़िले के कांदला कस्बे में। ये वही ज़िला है शामली और इसके पड़ोस का ज़िला मुजफ्फरनगर, इन दो ज़िलों में जहां 2013 में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हुई, कई लोग बेघर हुए। 2014 का लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में कम से कम इस दंगे से बहुत बड़े रूप में प्रभावित हुआ। आज के दौर में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और रंगनाथन मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट कुछ सालों पहले सामने आई थी, तो कुछ चीज़ें उनमें सामने आईं कि आज मुसलमानों की स्थिति हमारे मुल्क में जो है वो ये है कि कहीं दलितों से भी ज़्यादा पिछड़ गया है ये समाज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आमतौर पर मुसलमानों के बारे में सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के रूप में बात करी जाती है, लेकिन मुस्लिम समाज के सामने आज क्या मुद्दे हैं, क्या बड़ी चुनौतियाँ हैं, इन्हीं सारे सवालों पर बात करने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से हमारे बीच में कई सारे मुस्लिम नौजवान आए हुए हैं। कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग अभी अभी रोज़गार, कुछ लोग किसी धार्मिक संगठन से भी जुड़े हैं, कुछ लोग कुछ सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हैं। मेरा सबसे पहला आप लोगों से सवाल है कि आज के दौर में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भाजपा के अलावा सारी पार्टियों के बीच में एक होड़ मची हुई है मुस्लिम वोट के लिए। चाहे वो समाजवादी पार्टी, जो अपने आप को कई सालों से माना जाता है कि मुसलमान तो भाई साइकिल पर ही वोट देते हैं, या फिर बहुजन समाज पार्टी जो आज एक दलित मुस्लिम गठबंधन करने की कोशिश कर रही है और सबसे ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए हैं, या फिर इस बार बल्कि एक और पार्टी MIM जो असादुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उन्होंने भी 40-50 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। उसके अलावा पीस पार्टी के भी कई सारे मुसलमान उम्मीदवार खड़े हुए हैं। ये सब लोग मुस्लिम वोट और मुस्लिम वोट को अपनी तरफ काबिज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही मायने में क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के सामने जो मुद्दे हैं और वो मुद्दे क्या कभी भी इन चुनावों में या चुनावों के बाद भी उठाए जाते हैं? लास्ट इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने प्रॉमिस किया उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से कि हम आपको 18% रिजर्वेशन देंगे। इसी के साथ में जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले कस्बे हैं, हम वहाँ पर मुस्लिम मॉडल इंटर कॉलेज के नाम से, उन्होंने अलग अलग नाम दिए, मॉडल इंटर कॉलेज बनाएंगे। और जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले गांव हैं, कस्बे हैं, उन कस्बों में हम डिग्री कॉलेज भी स्टेबल करेंगे। लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में, पिछले 5 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो 18% रिजर्वेशन हुआ और ना ही मुस्लिम इलाकों में डिग्री कॉलेज खोले गए, ना ही इंटर कॉलेज खोले गए। इसके अलावा भी कितनी ऐसी चीज़ें रही हैं जो गवर्नमेंट प्रॉमिस किया लेकिन उसने अमल नहीं कर पाई। तो जैसे आप कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के सामने बहुत सारे वायदे रखे गए थे, और आपने कहा कि इंटर कॉलेज आरक्षण की बात पर हम बाद में थोड़ी और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इंटर कॉलेज और स्कूल भी कई जगह जहाँ वायदे करे गए थे कि मुसलमानों के इलाकों में खोले जाएंगे या सुधारे जाएंगे, उस तरह से भी कोई काम आपको होता हुआ नज़र नहीं आया। रोज़गार और शिक्षा, ये कितने बड़े मुद्दे हैं आज के दौर में मुसलमानों के सामने? शिक्षा और रोज़गार पर अगर बात की जाए तो वादा किया था कि रोज़गार देंगे, और आज मुस्लिम नौजवानों के हाथ में रिक्शा दे दिए गए हैं। तब की कॉलेज और स्कूल का वादा किया था कि स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, और दे दिया क्या है उनके हाथ में, उत्तर प्रदेश सरकार ने रिक्शा दे दिया है। तब की उन्हें स्कूल और कॉलेज की ज़रूरत थी। और पिछले कुछ सालों में ये भी देखा जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक के तौर पर इसलिए भी इस्तेमाल हो रहा है कि ये हर बिना सवाल किए, बिना कुछ लपकुचाए किए हर पार्टी के सामने अपने हथकंडे डाल देता है। आसानी से कोई भी लुभावने अच्छे सपने दिखाती है पार्टियां, और वो मुसलमान को साथ ले लेती है और मुसलमान चुपचाप साथ लग लेता है। और समाजवादी पार्टी इसमें पिछले 5 सालों में बड़े हद तक कामयाब हुई है। उसने तरह तरह की कोई भी नेता समाजवादी कहकर, कोई भी नेता महल्ले में आकर के इंशाल्लाह माशाल्लाह कर देगा तो उसके साथ काफ़ी मुसलमान जुड़ जाएंगे, और ये होता भी है। कई जगहों पर देखा गया है कि कोई गैर मुस्लिम नेता है, वो आके अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह माशाल्लाह करता है तो उसके साथ लोगों में अलग वो जुड़ जाता है उसके साथ। उसकी वजह वही है कि सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, जैसे आपने 2-3 कमेटियों का जिक्र किया, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, सच्चर कमेटी या और कहीं अलग अलग कमीशन भी आए हैं, तो उनमें सामाजिक स्तर, क्योंकि अगर हम देखें संवैधानिक तरीके पे देखें तो ह्यूमन जो टेंडेंसी है, या ह्यूमन एक तरह से इंसान का वातावरण, रहना सहना, ज़िंदगी गुजारना,
उसका जो स्तर नापा जाता है वो सामाजिक स्तर से ही नापा जाता है। आरक्षण दलितों को या किसी को भी दिया गया है तो वो सामाजिक और शैक्षिक स्तर को देख करके दिया गया है, ना कि आर्थिक स्तर को देख के दिया गया है। तो सामाजिक तौर पे इतना पिछड़ा हुआ है, उसको अभी तक उस वोट की या उसके वोट उस अपने लीडर को चुनने का सही समझ, चुनने की सही समझ नहीं है, तो वो खुद मुस्लिम ही अभी जिसका जिम्मेदार है। लेकिन इसका कारण अब क्या कहेंगे कि एक कारण है कि ये भी है कि हर एक पार्टी ने एक मुस्लिम चेहरा रखा हुआ है। आप सपा को ले लीजिए, बहुत बड़ा चेहरा है आजम खान। बसपा से ले लीजिए आप, नसीमुद्दीन सिद्दीकी आते हैं। तो ये मुस्लिम लीडर्स जो हैं, मुझे लगता है ये सिर्फ मुस्लिम चेहरे हैं। ये जो है ना इमोशनली फोले की इमोशनल कार्ड खेलती है हर एक पार्टी इलेक्शन के टाइम पे। और ये जो मुस्लिम चेहरे इन्होंने रखे हुए हैं, ये लोग हमारे बीच में आते हैं, मैं मुसलमान हूँ, मैं ये करा दूँगा, मैं ये करूँगा, ये वादे किए जाते हैं और होता कुछ नहीं है जो पहले से होता आ रहा है। जैसे आजम खान है, हर एक पार्टी में आपको एक बड़ा चेहरा मुस्लिम का मिलेगा। इवन बीजेपी देख लीजिए आप, बीजेपी में शाहनवाज हुसैन है, मुख्तार अब्बास नकवी आते हैं। जी हाँ, आगे सॉरी आगे थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान की भागीदारी सिस्टम में है नहीं, इसीलिए वो एग्जैक्ट मुसलमान वोटर वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। उसके लिए खाद्य ग्राम उद्योग या बड़े बड़े होर्डिंग लगे, अलग अलग कलेक्ट्रेट में लगे, उसमें 5 लाख लोन, इतने परसेंट छूट, लगभग छूट रहेगी, लगभग 35% का इस तरह का लोन था। वो बड़ा अच्छा, मतलब एक छोटे छोटे उद्योग लगाने थे उसमें, और यूपी में भी अगर उसके आंकड़े हम जुटाएँ तो मुसलमान उसमें आगे नहीं बढ़ पाया, मुसलमान वो उससे मदद नहीं ले पाया है। जो पढ़े लिखा तबका है, जो समझ रखते हैं उसको उस मायने में, वो नेताओं के थ्रू वो उसका फ़ायदा मिलता है बड़े बड़े तरीके से। ये जो आप कह रहे हैं कि भागीदारी नहीं है सिस्टम में, इसी के साथ साथ अगर हम देखें सरकारी तंत्र को, अगर पूरे तरह से देखें तो ब्यूरोक्रेसी हो, IAS हो, IPS हो, पुलिस हो, इन सारे क्षेत्रों में देखा जाता है कि मुसलमानों की जो भागीदारी है वो बिल्कुल ना के बराबर है आज के दौर में। क्या उसके असर, जब आप पुलिस थाने में जाएंगे तो क्या आप उसके असर वहाँ तक भी देख पाते हैं, या जब आप अलग अलग दफ्तरों में जाएंगे, सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए जाते हैं, क्या उसके असर आप वहाँ पर किसी रूप में देख पाते हैं? बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। हम जब भी किसी महकमे में अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो हमारी आवाज़ ज़्यादातर दबाई जाती है। उसकी वजह यह है कि हम उस महकमे में अपनी जगह नहीं बना पा रहे। कोई भी गवर्नमेंट महकमा है, वहाँ पर हम अपनी जगह नहीं बना पा रहे। उसकी वजह, रीज़न सबसे बड़ा यह है कि आरक्षण का सबसे बड़ा मुद्दा है। आरक्षण सबके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम सिर्फ 0.5% आज हम गवर्नमेंट में हिस्सेदारी में है, गवर्नमेंट सर्वेंट में है, हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 0.5% है। सच्चाई है कि अगर आज़ाद हिंदुस्तान की बात करें तो 70 सालों में से 60 साल कम से कम, या फिर उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो ज़्यादातर यहाँ पर सेक्युलर पार्टियाँ या वही पार्टियाँ जो अपने आप को सेक्युलर कहती हैं उन्हीं का ही शासन रहा है। तो ये सेक्युलर पार्टियाँ भी क्या मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में ही देखती आई हैं, और सही मायने में विकास, विकास तो आजकल एक बहुत बड़ा शब्द हो गया, उस पर पूरे पूरे चुनाव लड़े जाते हैं, विकास होता क्या है इसके जवाब कम ही मिल रहे हैं आज तक, लेकिन विकास के नाम पर जो हम उम्मीद करते हैं अपने नेताओं से, क्या वो उन चीज़ों पर डिलीवर नहीं कर पाई हैं वो सेक्युलर पार्टियाँ? मैं कह रहा था कि जैसे कि आज हम अपने लीडर्स को चुनते हैं, मुस्लिम आजकल ये करते हैं कि मुस्लिम को ही सोचते हैं कि मुस्लिम चेहरा है, चलो इसके पीछे लग जाओ। तो वो उस हम जो हैं छोटी बिरादरी वाले, जो हैं बड़ी बिरादरी वाले सब आजकल लीडरशिप में हैं। जितने भी बड़े लीडर मिलेंगे आपको या जिन्हें भी बड़ी पार्टीज जो हैं टिकट वगैरह करती हैं, वो सब बड़ी कास्ट से आते हैं मुस्लिम्स में। तो वो खुद सच्चाई से अब तक वाकिफ़ नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने वो अब तक वो स्तर देखा ही नहीं है, वो ज़िंदगी हाँ, उन्होंने खुद नहीं अनुभव, वो उनका खुद का अनुभव नहीं है उस बारे में, तो इसलिए वो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। अभी आम तौर पे माना जाता है कि आम तौर पे मुसलमान भाजपा विरोधी होता है, और ये भी माना जाता है कि आम तौर पे कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री चुने गए नरेंद्र मोदी,
तो उन्होंने बड़ा जोर पुरजोर तरीके से कहा था कि नहीं, इस बार सबका साथ सबका विकास होगा। क्या आप लोग भाजपा के उनके नेता बनने के बाद, उनके पावर में आने के बाद, क्या आप लोग वो कुछ फ़र्क भाजपा के रवैये में देख पा रहे हैं, या आपको लग रहा है शायद और भी आपके प्रति ख़राब हो गया? हमारे से पहले से ज़्यादा, जब ये खुद चुन कर के आई और आम आदमी ने उसको चुना, सेंट्रल गवर्नमेंट में या जा कर के बैठे, उसके बाद में जो जो सवाल इन्होंने हमारे ऊपर जो जो उंगली जिस तरह से भी उठाई, चाहे योगी आदित्यनाथ हों या स्वामी जी हों या कोई भी अदरवाइज जितने भी लीडर हैं, सिर्फ इन्होंने मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जी, इसका रीज़न आज तक मुझे नहीं मालूम है। क्यों टारगेट करते हैं मुसलमानों को, क्यों खिलवाड़ करते हैं मुसलमानों की जिंदगियों के साथ में? क्या मुसलमानों का इस देश में हक नहीं है? क्या इन्होंने बलिदान नहीं दिया इस देश के लिए? क्या इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया देश के हित में? आज तक आप देख लीजिए, जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है या उससे पहले का आप वक्त उठा करके देख लीजिए, बलिदान बराबर का है। हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में हमारा भी योगदान रहा है और आप सबका भी रहा है, सभी का रहा है, हर हिंदुस्तानी का योगदान रहा है इसमें। मगर ये एक टारगेट क्यों बनाया हुआ है मुसलमानों को, ये इस सवाल का आज तक मुझे जवाब नहीं मिल पाया। मैंने पहले भी बात रखी थी अपने कुछ लीडर हैं उनके सामने भी ये बात रखी गई थी कि आप मुसलमानों को ही टारगेट क्यों करते हैं। अब मैं आपसे एक और सवाल फिर करूंगा कि सबके साथ के एक बात में कह दूं, जैसे सबके साथ का अभी आपने सवाल किया कि इसको किस तरीके देते हैं, अब आप ही देख लीजिए, सबके साथ की हकीकत ये है कि यूपी में 403 सीटें हैं और बीजेपी ने सभी 403 सीटों पर इलेक्शन अपने कैंडिडेट खड़े किए, इलेक्शन लड़ रही है, तो किसी भी एक सीट पर किसी भी एक मुस्लिम को टिकट दिया नहीं, तो कौन से सबका साथ है? भाजपा के आने के बाद काफ़ी कुछ देखा है, गौ रक्षक अचानक बड़े है ना, वो इस तरह के अजीब लव जिहाद, गौ रक्षक, एक के बाद एक ये मुद्दे उठे जा रहे हैं। कांदला एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, कस्बा है, लेकिन कांदले से बाहर जब आप जाते हैं तो क्या एक खौफ जहन में होता है मुस्लिम होने के नाते? पहले तो नहीं थे, लेकिन अब कुछ दिनों से ये होने लगा। अगर घर से निकलेंगे तो ये सोचना पड़ेगा, जिस इलाके से निकलेंगे अगर वो हिंदू बहुल इलाका है तो सोचना पड़ेगा, अगर दाढ़ी टोपी वाला है उसको जरूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो सामने नज़र आ रहा है कि ये मुसलमान, बहुत सोच समझ के अब घर से निकलना पड़ता है। पहले सब लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अब जैसे अभी ये दंगा हुआ इसके बाद तो बिल्कुल ये इतना मुश्किल हो गया बाहर निकलना, गाड़ियों में सफ़र करना कोई हद ही नहीं रही है, बहुत दहशत होती है सफ़र करने में भी। अभी अगर ट्रेनों में कोई घर की लेडीज़ भी जाना चाहेगी तो वो बुरके में नहीं जाती है, अगर यहाँ से कांगड़ा से निकल के अगर ट्रेन में जाना चाह रही है वो कहीं दिल्ली विल्ली, तो वो बुरका नहीं पहन के जाती घर से, वो कहती है कि छेड़छाड़ होनी है बुरके नहीं पहन, ताकि उस बुरके से उसकी पहचान होती है कि मुस्लिम है। ऐसा बढ़ोतरी हुई है? अगर देखिए ऐसा भी होता है कि ट्रेन में जैसे साड़ी वाली खड़ी है तो उसको तो सीट मिल जाती है, बुरके वाले को नहीं मिलती, ऐसा आपको महसूस हुआ है? देखिए मुजफ्फरनगर में तो दंगा हुआ है, यहाँ दंगे का असर है। मैं सहारनपुर की बात करता हूँ कि आज अगर सहारनपुर में कोई दाढ़ी और टोपी वाला है तो गांव में फेरी लगाने जाता है, तो वो देखता है कि दाढ़ी और टोपी है मेरे पे तो मैं हिंदू गांव में नहीं जाऊँगा, जहाँ ये हिंदू बहुल क्षेत्र है तो मैं इधर नहीं जाऊँगा भाई फेरी लगाने, तो दाढ़ी टोपी वाला बचने लगा है वहाँ जाने से, क्योंकि आज आप देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं कि गौ रक्षक आ गए हैं, बजरंग दल आ गया है, शिवसेना आ गई है, ये बहुत उग्र आजकल ट्रेंड चल गया है। यही तो, अभी पिछले एक साल का केस है, पंचायत है यहाँ मूलपुर, दो मुस्लिम नौजवान कांदले के ही थे शायद, कांदले ही के थे, वो फेरी लगाते थे, फेरी का काम करते थे, गांव में चले गए वो, तो गांव में मजाक तफरी, वो गांव के जो जाट लड़के थे वो मजाक तफरी करने लगे, बात जो थी थोड़ा सा उन्होंने भी कुछ जवाब में कह दिया, तो उन दोनों लड़कों को इतनी बुरी तरह से मारा, और बहुत बुरी तरह से मारा, भगा भगा के मारा, वो बड़ी मुश्किल से, मैं बहुत दिनों तक लगातार हॉस्पिटलाइज रहे, तो उसमें ऊपर से उनके ऊपर वापस से चोरी का आरोप लगाया कि चोरी करके भाग रहे थे जबकि वो फेरी कर रहे थे। बाद में ये हुआ कि लोगों ने भी आवाज़ उठाई, केस दर्ज हुआ,
और केस दर्ज होने के बाद फिर ऊपर से वो कहते हैं ना कि सीना जोरी की कि नहीं ये फर्जी केस है, ये चोर थे, चोरी कर रहे थे, जबकि वो फेरी करने गए थे वहाँ। तो इस तरह की स्थिति है और वारदातें भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है। ट्रेनों का जैसे उदाहरण दिया है, दाढ़ी और टोपी वाले के साथ तो मैं इसका खुद उदाहरण हूँ, क्योंकि लगातार दिल्ली आना जाना ट्रेन से होता है और कई बार सामने इस तरह की स्थिति होती है कि लोग गाली तक देते हैं और बुरा भला कहते हैं दाढ़ी। मेरे साथ में भी एक मरतबा ऐसा हुआ, मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा था तो पड़ोस से मैंने बस बदली और सरूरपुर के लड़कों ने मेरे साथ में बदतमीज़ी करनी शुरू की, तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। मैंने ये कहा कि भाई आप जो बदतमीज़ी कर रहे हैं आपके लायक नहीं हैं, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप अगर पढ़ते हैं तो आपको यही शिक्षा दी जाती है वहाँ पर। तो अनाप शनाप बहुत कुछ उन्होंने मुझे बोला। मैंने फिर उनसे ये बोला कि आपका ये क्षेत्र है, आप यहाँ से अलग कहीं और होते, अगर आप कहीं और होते मेरे साथ में तो मैं भी आपके साथ में ये सलूक ना करता जो आपने मेरे साथ में किया है। जो इंटॉलरेंस का एक बार मामला भी चला था, काफ़ी राइटर्स ने अपने प्राइज लौटाए और काफ़ी एक्टर्स ने भी इस पर बातें की, और इसके अलावा भी जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे सभी ने अपने तरीके से कहा। लेकिन अगर कांदले के तौर पर हम इसको देखें तो कांदले में अगर पहले एक हिंदू एक मुस्लिम का झगड़ा होता था दो लड़कों का, तो सिर्फ वो दो लड़कों तक महदूद होता था। आज वो हो गया है कि अगर हिंदू की पिटाई हो जाएगी तो मार्केटें बंद कर दी जाएंगी, हंगामे शुरू हो जाएंगे कि ये इसने इस लड़के के साथ नहीं हिंदू धर्म पर वार किया है, हिंदुओं को नुकसान पहुंचा है, हिंदू तत्व को चोट दी है। बजरंग दल, शिवसेना और ये लोकल में हैं यहाँ पर, और एक बच्चे आती है विश्व हिंदू परिषद और भी कई, एक युवा ब्राह्मण युवा जन सभा, वो तो सिर्फ कांदला में ही है, कांदला के बाहर नहीं है। इसके अलावा भी सिर्फ हिंदू कम्युनिटी इस तरह इतनी महदूद नहीं है। अगर किसी मुस्लिम की पिटाई होती है तो वो लोग थाना घेरेंगे जाके, वहाँ हंगामा करेंगे, मतलब वर्जन दोनों तरफ है। मतलब आप कह रहे हैं ध्रुवीकरण आज यहाँ तक आ गया है, या कहीं ना कहीं फिरका परस्ती लोगों के जहन में इतनी आ गई है कि वो छोटी छोटी सी चीज़ों में भी आज हिंदू मुसलमान ढूंढने लग गए हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए, अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनावी माहौल चल रहा है 2017 में, इस चुनाव में कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जो आपने अभी बात करी कि इतना ध्रुवीकरण लोगों के जहन में बैठ चुका है, ये हिंदू मुसलमान इस चुनाव को कितना प्रभावित करने वाला है? बड़े लेवल पर देखिए, अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव में यूपी में कास्ट भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है जी, और कास्ट के बाद या उससे पहले कह लो, बाद नहीं बल्कि पहले कह लो, धर्म और ये सब कुछ भी देखा जा रहा है। और राजनीतिक पार्टियां जो हैं सबने वो टिकट भी उसी हिसाब से दिए हैं, जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो उस हिसाब से वो टिकट दे रही है, कौन सी कास्ट है वहाँ उसी कम्युनिटी को वो टिकट दे रही है। तो यूपी का जो चुनाव है वो तो एक एंगल तो उसमें है, एक एंगल वो उसमें पड़ा हुआ है कि कौन सा कैंडिडेट मुस्लिम के अगेंस्ट जा रहा है या एक पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट जा रहा है तो उसको हम सपोर्ट करें। तो अगर पश्चिमी यूपी में अभी, क्योंकि यहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो इस चुनाव में थोड़ा सा वो कुछ जगहों पर डायरेक्ट हिंदू मुस्लिम का तनाव है। जैसे अगर हम कैराना की बात करें, कैराना विधानसभा है तो वहाँ पे लोग चुनाव को एक हिंदू मुस्लिम एंगल से ले रहे हैं, और शामली की बात करें तो ये ट्रायंगल सा हो गया है, यहाँ पे जाट कम्युनिटी भी आ गई है तो मुस्लिम का भी आ गया है और दूसरे भी आ गए हैं। तो यहाँ पे मुस्लिम जो कैंडिडेट खुद वो उसको मुस्लिम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो एक पार्टी की तरफ भी देख रहे हैं। तो आइडियोलॉजी बेसिस पे भी ऐसा नहीं है कि पिछले 2-4-5 सालों में इतना थोड़ा सा वो हुआ है, सुधार आया है, लेकिन एक तबका जा है वो बहुत, उसमें बहुत ज़्यादा रिजिडिटी आई है। ये दोनों तरफ है या सिर्फ? नहीं, अगर आप देखेंगे मुस्लिम्स में तो मुस्लिम्स में पहले अब ये नहीं देखा जा रहा है मुस्लिम्स में, आप यहाँ से सहारनपुर और पूरा लोनी तक कहीं घूमाए, वो कैंडिडेट को अब नहीं देख रहे, अब वो पार्टी को देख रहे हैं, पार्टी का। जैसे अगर ये सपा का जो प्रभाव चला है उसको लेकर के वो कैंडिडेट को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, हर सीट पे यही है कि वो एक पार्टी को देख करके वोट कर रहे हैं। मैम अगरम भाई की बात से इसलिए थोड़ा असहमत हूँ, सॉरी, कि अगर देखा जाए वेस्ट यूपी का ऊपर अभी सभी की निगाहें इधर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि दंगा हुआ हुआ है इधर, और इधर हिंदू मुसलमान का जो है कैराना प्लान की बात हुई है। तो इसमें अगर देखा जाए
अकरम भाई ने कहा है भी कि मुस्लिम जो है वोटर जो है वो सपा कांग्रेस की तरफ चल रहा है, ऐसा नहीं है। मुस्लिम वोटर जो है अभी इस उसमें है कि दलित वोट को दलित वोटर को देख रहा है कि वो किधर जा रहा है। अगर दलित वोटर बसपा की तरफ चलता है तो मुस्लिम बसपा की तरफ। तो मेरे ख्याल से ये इलाके टू इलाके और सीट टू सीट भी बहुत फ़र्क है इसमें, लेकिन क्या आज आपको लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है और बोला जाता है कि भाई भाजपा जो है हिंदुओं की पार्टी है, भाजपा जो है हिंदू और ख़ास कर कि कई लोग कहते हैं नहीं वो तो अब दलित भी कहते हैं कि नहीं वो सवर्ण हिंदुओं की पार्टी है, ऊंचे जात हिंदुओं की पार्टी है, हमारी पार्टी नहीं है। लेकिन साथ साथ में ये भी कहा गया है पिछले कई सालों से ये सपा मुसलमानों की पार्टी है, कई लोग अब ये भी कहने लग गए ये तो मुसलमानों की पार्टी है। धारणाएँ जो लोगों के जहन में बनी थी ख़ास कर दंगे के बाद कि लैपटॉप बटे इनको बटे, ये फला मिला इनको मिला, योजनाएं मिल रही इनको मिल रही, स्कॉलरशिप मिल रही इनको मिल रही, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, इस धारणा के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? टेक्निकली अगर देखें तो समाजवादी पार्टी टोटल मुस्लिमों की पार्टी है, ये बिल्कुल सच नहीं है। अभी अकरम भाई ने कहा है कि मुस्लिमों का मेजोरिटी अखिलेश को पसंद कर रहा है, ये पूरी तरह सच है। मेजोरिटी में मुसलमान अखिलेश को पसंद कर रहे हैं, लेकिन अगर बसपा ने या RLD या फिर मजलिस या फिर पीस पार्टी इन्होंने अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं तो मुसलमान अखिलेश को छोड़ के उनको भी वोट दे रहा है। और अब लैपटॉप, कन्या विद्याधन और शादी के लिए अनुदान या फिर और चीज़ें, इसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों पर फोकस नहीं किया। और इसके अलावा भी यूपी में 75 ज़िले होते हैं, 75 ज़िले में से 63 के आसपास जो जिलाध्यक्ष हैं वो सिर्फ यादव हैं, 8 या 9 जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के मुस्लिम्स हैं। और इसी के साथ साथ में बहुत सारे मुस्लिम IPS भी हैं, उन लोगों को कितना चार्ज दिया गया है पूरी यूपी में अगर पूरा घुमा लेंगे हम तो 3-4 ज़िले से ज़्यादा ऐसा ज़िला नहीं मिलेगा जहाँ पे मुस्लिम कप्तान हो या मुस्लिम DM हो। तो अगर इन सब सारी चीज़ें देखेंगे हम तो हमें कहीं भी नहीं लगेगा कि ये मुसलमानों को फोकस कर रहे हैं। बहुत सारी MLC नॉमिनेट किए गए, CM ने नॉमिनेट किए उसमें कितने मुस्लिम उन्होंने किए, चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए लगभग 50 से ज़्यादा मिनिस्टर यूपी में हैं, अब मुसलमान अराउंड 10। तो मैं आपसे फिर अगला सवाल ये करूँगा कि आम तौर पे बोला जाता है भाई, जैसे रालोद के लिए किसी ज़माने में बोला जाता था कि वो जाट मुस्लिम गठबंधन से जीत रही, उसी तरह से सपा के लिए बोला जाता था कि ये यादव मुस्लिम गठबंधन से जीत रही। लेकिन इसमें आप मुझे बता रहे हैं और कई और जगह से भी ये सुनने को मिलता है, और आप मतलब अपने आप को मुल्ला मुलायम बोलने वाली की पार्टी थी और अपने आप को मुसलमानों की हिमायती बोलने वाली समाजवादी पार्टी रही, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि शायद जो दो खेमे जो इनका समर्थन करते हैं उसमें क्या आपको लग रहा है कि एक ही खेमे के लिए ही ज़्यादा हो रहा है इनके दौर में? एग्जैक्टली वही हो रहा है। पुलिस भर्ती ले लीजिए, अभी पहले भी हुई है। पहली बात तो एजुकेशन में हम लोग पिछड़े हुए हैं और जो कुछ थोड़ी बहुत परसेंटेज है भी तो हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, बिकॉज वो वहाँ पर फेवर किया जाता है, यादव को थोड़ा सा ज़्यादा तरजीह दी जाती है, मुस्लिम है जो 1-2% लोग पहुंच भी रहे हैं उनको तरजीह नहीं दी जाती है, तो वो होता है एक खेमे को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। वो नाम एक बोलना अलग होता है कि भाई मुस्लिमों की पार्टी है, ऐसा हमें नहीं लगता है। पिछले जो काफ़ी 10 सालों में या 20 साल की पॉलिटिक्स देखें तो मायावती ने अलायंस किया BJP के साथ, RLD ने अलायंस किया BJP के साथ में, तो मुसलमान गेस नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि कहीं चुनाव के बाद हम RLD को वोट दें, हम BSP को वोट दें और फ्यूचर में ये लोग BJP से अलायंस करके गवर्नमेंट बना लें। यहाँ पर बहुत बड़े दंगे हुए थे 2013 में। सच्चाई ये है कि दंगे यहाँ पर एक दंगा नहीं हुआ, बड़ा दंगा तो 2013 का हुआ था, इसी से पहले ही बूचाखेड़ी में आपके इलाके में दंगा हुआ, शामली में दंगा हुआ, कई जगह इस तरह के दंगे हुए, बार बार इस तरह की घटनाएं सामने हुई। लोकसभा चुनाव के बाद भी चाहे यहाँ पर आप देखिए दादरी में क्या हुआ, और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश से पिछले 5 सालों में सामने आई। हिमाचल प्रदेश में भी हुआ। नहीं आप हम उत्तर प्रदेश की अभी बात करें, यहाँ पर चुनाव चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक पार्टी अपने आप को जो मुसलमानों की हिमायती बोलती है सत्ता में आने के बाद काफ़ी हद तक रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने दंगे जो हुए हैं यहाँ पर? देखिए पश्चिमी यूपी में दंगों का ज़्यादा फोर्स रहा, चाहे छोटी घटना हो बड़ी घटना हो। अगर हम बात करें जो लखनऊ की राजनीति है, लखनऊ की जो सियासत है वो पश्चिमी यूपी को एक अलग नज़र से देखती है, यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है और किस तरीके से यहाँ की लोकल जो सिस्टम चल रहा है
उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं भी रहता लखनऊ की सियासत का, और ख़ासकर अखिलेश की अगर ये नई सरकार की बात करें पिछले 5 सालों में ये इस तरफ भी नहीं ध्यान दिया गया उन चीज़ों को लेकर के। और यहाँ अगर पिछली विधानसभा में देखा जाए तो सपा इन 4-5 ज़िलों में सपा को इतना बड़ा वोट नहीं मिला, वो चाह रही थी वो पोलराइजेशन, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि बीजेपी है तो ये पार्टियों का भी अपना एक एजेंडा होता है। अब समाजवादी पार्टी है तो वो भी चाहेगी कि मुस्लिम वोट मेरे पास आए किसी तरीके से, और उसके क्या क्या तरीके होंगे वो योजना भी हो सकती है, वो कोई और तरीका भी हो सकता है। अगर दंगे की बात करें, दंगा यहाँ 2 या 3 दिन नहीं चला, पूरे महीने दंगा चला। दंगा जो है 20 सितंबर को भी लोग मारे गए हैं, 20 सितंबर को भी टेंशन थी, 25 सितंबर को भी थी, पूरे महीने तक टेंशन थी, अक्टूबर में भी लोग मारे गए हैं और दंगे में पूरी टेंशन रही है, तो उसकी ज़िम्मेदार तो कौन है? उसकी ज़िम्मेदार तो गवर्नमेंट ही होगी ना। तो गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर उस समय लॉ एंड ऑर्डर स्थापित ही नहीं कर पाई गवर्नमेंट, यहाँ देख ही नहीं पाई प्रॉपर तरीके से, वो जानबूझकर कर रही थी या क्या उससे गलती हुई क्या हुई, लेकिन जिम्मेदारी तो उसकी है ना। गांव में दंगे गए तो गांव में एक एक महीना लोग अपना सामान नहीं ला पाए गाँव से, वो सामान जला दिया गया, दीवारें तोड़ ली गई, दीवारें साफ कर दी, जहाँ लोगों जो लोग वापस नहीं गए अभी तक, और वो अब जो गए हैं 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद गए हैं, उन्होंने अपना मकान भी नहीं पहचान पाए। अभी मैं बताऊं, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक टीम आई थी, फुगाना गांव में गए वो, और वो एक ऐसे आदमी को लेके गए जो 1 साल बाद 2 साल बाद जा रहा था गांव में, वो गलियों में घूम गया, उसको पता नहीं मेरा मकान कहाँ है और जगह कहाँ है, वो ढूंढ नहीं पाया। लगभग 30 मिनट तक वो घूमता रहा, और जो वहाँ का लोग गाँव के लोग जो थे वो मजाक बनाते रहे उसके, देखो अपना गाँव घर भूल गया। देखने में ही आया कि गांव वो पूरी बिल्डिंग ही साफ़ है, वहाँ से वो उसके दर दीवार उसकी छत सब साफ कर ली लोगों ने, चोरों ने मतलब गांव के ही लोगों ने वो सब उठा लिया वहाँ से। तो इस सब के लिए तो किस पार्टी को किसको जिम्मेदार मानेंगे? लोकल प्रशासन को मानेंगे या शासन को मानेंगे या गवर्नमेंट को मानेंगे? तो गवर्नमेंट तो जिम्मेदार आखिर होगी इस चीज़ की। अगर देखा जाए, अकरम भाई ने बोल दिया, ये यही कह रहा था कि गवर्नमेंट को ही दंगे का जिम्मेदार माना जाएगा, क्योंकि 2002 में गुजरात में दंगा हुआ था तब उसका जिम्मेदार आज तक मोदी को ही मानते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ है, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ है, तो इसका जिम्मेदार भी तो गवर्नमेंट को ही माना जाएगा। और इसका कारण ये है कि कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी वो भी अपीजमेंट से डरती थी कि हम पे इल्ज़ाम ना लगे, और वाकई में ये सपा के साथ भी हुआ है। अगर आप कहीं भी हिंदू बहुल एरिया में जाएं, मैं अभी थाना भवन में गया था तो राजपूत वहाँ सुरेश राणा के साथ हैं, उनसे जब नौजवानों से बात हुई, लगभग 8-10 नौजवानों से बात हुई, क्लियरली वो यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं सब कुछ मुसलमानों के लिए कर दिया। तो ये जबकि ऐसा है नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये अपीजमेंट जो कि मुसलमानों को खुश कर रही है सपा, ये मुसलमानों की पार्टी है, तो इसमें वो जो कम्युनल एंगल से अफवाहें फैलाई जा रही हैं उससे अपना वोट बैंक वो भी बना रहे हैं उधर, वो उसकी तैयारी हो रही है। और सपा इससे डरती है, इस अपीजमेंट से डरती है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। वो मुसलमानों को ये नहीं दिखाना चाहती कि तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान को एक ध्रुवीकरण करके अपनी तरफ लाने की कोशिश है सपा की भी, जिस तरह से आप कह रहे हैं भाजपा की एक कोशिश रही है हिंदुओं को ध्रुवीकरण करके अपनी तरफ लाने की, क्या आप कह रहे हैं कि सपा भी उस ध्रुवीकरण का फायदा उठा रही है? बिल्कुल, इसमें तो साफ दिख रहा है ना। हम माना लोगों में अफवाहें हैं कि काम हो रहा है मुसलमानों के लिए हो रहा है, काम हो नहीं रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो सरकार ही है। गवर्नमेंट ने दंगा हुआ 2013 में, दंगा एक स्टेप में नहीं हुआ, अकरम साहब इससे सहमत हैं, उन्होंने भी बताया कि अलग अलग दंगे हुए हैं, और ये दंगा गुच्चाखेड़ी से स्टार्ट हो चुका था। गवर्नमेंट को पता था कि दंगा हो रहा है, उसके बाद में शामली में हंगामा, हुकुम सिंह और सुरेश राणा ने बाकायदा खड़े होकर मार्केट जलवाई खुलेआम, उसमें मीडिया में पब्लिश हुई, टीवी चैनल्स में भी चले, पत्रकारों के कैमरे भी छीने गए। और इसके बाद में नंगला मड़ो में पंचायत हुई, उससे पहले एक और पंचायत हो चुकी थी 28 अगस्त 2013 में, 7 सितंबर 2013 में नंगला मड़ो में पंचायत हुई, ट्रोलियों वालों के साथ में हाथापाई हुई, वो किसी ने भी किए वो गलत हुआ। उसके बाद में पूरी रात दंगा चला, यानी कि 7 बजे दंगा स्टार्ट हो गया, लोगों को मारा काटा जाने लगा। ज़िला मुख्यालय, दो मुख्यालय, एक तो शामली एक मुजफ्फरनगर, अगर पुलिस प्रोटेक्शन वहाँ पहुँचाया जाता तो मैक्सिमम 2 घंटे या 1.5 घंटे में
कैंट पड़ता है मेरठ में, अगर मेरठ से मिलिट्री मंगाई जाती तो मैक्सिमम 3 घंटे, लेकिन वहाँ प्रोटेक्शन 6 घंटे तक नहीं पहुँचा। क्यों नहीं पहुँचा, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आप कह रहे हैं बसपा पर भरोसा करना इसलिए मुश्किल हो जाता है मुसलमान का, क्योंकि वो पहले भाजपा के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, और उसी तरीके से आप लोग मुझे कहीं ना कहीं सपा का रवैया आप कह रहे हैं कि सिर्फ कहने के लिए मुसलमानों की हिमायती है, ज़मीन पर आप कह रहे हैं, हाँ ग्राउंड पे मुसलमानों के लिए कुछ उस तरह से नहीं किया है। मुसलमान आज के दौर में फिर सही मायने में उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को अपनी पार्टी मानता है? अगर वो वोट कर रहा है तो वो सपा को वोट कर रहा है, उसे करना नहीं चाहिए लेकिन वो कर रहा है। उसके अलावा वो सपा को छोड़ के सिर्फ कैंडिडेट्स देख रहा है, भाजपा को छोड़ के कोई सा भी कैंडिडेट उसको पसंद आ रहा है सिर्फ भाजपा को छोड़ के, RLD का, सब बसपा का। और तो क्या मुसलमान मुख्य रूप से सिर्फ ये देखकर वोट कर रहा है कि भाजपा को कैसे हराया जाए? इस टाइम तो यही लग रहा है देखने में, मुसलमानों की जी नीति बनी हुई है कि भाजपा को किस तरीके से हराया जाए। तो नहीं, मुझे 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 नहीं लगता, नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। थाना भवन की सीट है, वहाँ तीन तीन, एक सपा का है, 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं और तीनों जगह वोट बटा हुआ है। वहाँ वहाँ जो 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनके साथ भी उतनी उसमें है, अगर वो भाजपा को हराना चाहते तो वो इकट्ठा वोट पड़ता है। ऐसा ही आप कैराना में देखिए, कैराना में BJP की है, RLD है, मुसलमान BJP को भी वोट दे रहा है, कैराना के अंदर RLD को भी वोट दे रहा है, नाइन्थ को भी वोट दे रहा है। अभी स्थिति की पश्चिमी UP में ये हो रहा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वोट किया, जब मैं जो पहले कंफ्यूज है, क्वेश्चन तो ये जो सवाल है जो आप कह रहे हैं कंफ्यूज है जी, बिल्कुल। ये कंफ्यूजन क्या इसलिए है क्योंकि ठोस रूप से किसी भी पार्टी को मुसलमान अपनी पार्टी नहीं मान रहा है? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली यही बात है, किसी को अपना नहीं मान पा, किसी को अपना नहीं मान पा। खैर मेरे ख्याल से और वोट बैंक की तरह यूज वोट बैंक किया जा रहा है इस वक्त, इस बार हमेशा से आज तक किसी भी पार्टी ने मुसलमान का कोई सही मायने में कोई काम किया ही नहीं। जैसे मेरे ख्याल से अगर इस पॉइंट पर अगर आज हम और भी काफ़ी सारी बातों पर चर्चा करने के लिए, और शायद इन मुद्दों पर हम काफ़ी देर के लिए चर्चा कर सकते हैं और कई कई दिन तक चर्चा हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज जिस नोट पर हम ख़त्म कर रहे हैं ये कहीं पर भी एक सकारात्मक नोट तो नहीं है कि एक पूरा समुदाय आज ये कह रहा है कि किसी भी पार्टी को वो सही रूप में अपनी हिमायती नहीं मानता है। इसी उम्मीद के साथ हम शायद अपनी बात आज ख़त्म करेंगे कि कहीं आने वाले सालों में ये इस राजनीति का चेहरा बदलेगा और अल्पसंख्यक को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह ना देखकर, बल्कि सही मायने में अल्पसंख्यक के सामने क्या सवाल हैं, अल्पसंख्यक समाज के सामने क्या सवाल हैं, क्या मुद्दे हैं और क्यों पिछड़ गया है ये अल्पसंख्यक समाज, इन चीज़ों को राजनीतिक पार्टियाँ भी देखेंगी। चुनावी चर्चा में आप सबका, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।